बाबूदाई क्या है? बाबूदाई क्या है? कराई ले की क्या करा लिया भे? दस्तकतिया और का अंगूठा लगवा लिया अंगूठा बाबूदाई। हाँ। जब हम करावे लागे है ना। हाँ? हमका बड़ा नीक लगा हो। वैसे अच्छा लगता ही है। हाँ? हाँ। बाबूदाई एक आध दिन तू कराई देखते क्या बे दस्तकतिया तो साला दस्तकत का नाम नहीं लेता है। पहले ले हाँ। बाबूदा है महारानी बनवा। एक काम कर इसको लेके चले जाए मेरी अलमारी में रख देना आराम से। बाबूदा है अलमारी में जाएंगे वहाँ नौलखा हार भी रखे होंगे। क्या होगा इनको महारानी तभी तो बनाओगे। हाँ 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 हा। उसको लेके आना। हाँ उसको लेके आना। हाँ उसको लेके आना। ए कसम ए जी बोलो अब तो तुम ही मेरी जिंदगी हो गए हो सब कुछ हो गए हो मेरे राजा। हाँ 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 तुम ही तो मेरी जिंदगी हो गए। ए हमारे पुनीत शर्मा जी गंगा कैसेट वाले देखिए मेरी जवानी कैसे है मैं आपको सुना रही हूँ राजा। एकदम सीढ़े की तरह चिपक जाएंगे आप भी। रस में डूबल बा की रस में डूबल बारे अरे बड़ी मजेदार बा अरे खाई ले मोर राजा जलेबी तैयार बा चार बा खाई ले मोर सैया रानी बना दो। ये हरामजादी रानी बनना चाहती है। अरे ठाकुरायन बनना चाहती है। अभी आप कैसे बोलने लगे जी मुझसे? आईने में अपनी शक्ल देखी कभी? ठाकुरायन बनने लायक है हरामजादी। ए हो इतना तो हमार शक्ल नहीं खराब बात है कोनो ठाकुरायन से हम खराब है। तो सुन मेरी बात को हरामजादी सुन। रहनी सुनो गाँव से छोड़ कर घर मेरा तू निकल जाए अभी ना तो पति को हुई ना तो देवर को तू माल हंटर से चमड़ी उधेड़ू ठाकुराइन बनने चली है ठाकुराइन बनने चली है। अरे आप तो कहे कि अपने पति को महेश को तू परदेश भेज दो। हाँ। और अपने देहर को महर के घर से निकाल दो। हाँ कहा था उसके बाद मैं तुम्हें अपनी राजरानी बना दूंगी। हाँ, महारानी हाँ। बना दूंगी लेकिन आज आप मुझे मेरी जमीन जायदाद भी निकाल लिए और उसके बाद मुझे मार रहे हैं। हरामखोर औरत अब तू जा करके गांव-गांव में भीख मांगेगी ना तब तुझे पता चलेगा
कि पति का प्यार और देवर का प्यार क्या होता है। नहीं बनने चली है। नहीं नहीं जाओगी, नहीं जाओगी, नहीं जाओगी। अगर नहीं जाएगी ना तो मारते मारते मैं तेरी खाल उतर लूंगा। हराम दादी हराम दादी चल निकल हसे निकल। निकल काफी के कहने में आके अपना स्वर्ग जैसा परिवार नरक कर दिया। अब याद आ रही है तुझे? अपने पति जी को मैं इसी कमीने के कहने से परदेश भेज दी। मासूम देवर जो कि दोनों आंखों का अंधा था उसको भी अपने इन्हीं हाथों से मार के घर से बाहर निकाल दी और अपनी जमीन जायदाद भी मैं दरिंदे के नाम कर दी। मालिक मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या करूं। क्या करूं? जा निकल जा यहां से, मैं तो खाल भर लूंगा तेरा। कि किसी से कोई प्यार ना करे, दिल देता है रो रो दुहाई, किसी से कोई प्यार खोपड़ी है, जब जो चाहूं वो कर सकता हूं। क्या क्या बद्रियों की खोपड़ी है? बद्रियों की खोपड़ी है? अबे साले बद्रियों नहीं छत्री, यानी कि ठाकुरों की खोपड़ी है। हम सोचे बद्री कहता है यार। सुन बाबू तो है, अब मैं चलता हूँ, मेरे लिए एक गिलास गर्मा गर्म दूध लेके आ जाना। बाबू तो है। क्या है बे? आपको दूध भी पिलाएंगे, भूख पिलाएंगे। क्या बे? आप कह रहे हैं हमको दूध लाना, हाँ? वही तो हम कह रहे हैं आपको गरम गरम दूध पिलाएंगे, गरम गरम दूध पिलाएंगे। चले दूध। हाँ हाँ दूध दूध चल चल। बाबू तो ऐसे नहीं, तो? हमने सुना है शिव के मंदिर पे बहुत बड़ा सा मेला लगा है। मेला लगा हुआ है? हाँ बाबू तो है, इसीलिए
मैं भागते चला आया। चलिए शिव के मंदिर पे मेला लगा है बड़ा तो बहुत बढ़िया मेला, वहाँ पे देखेंगे जो अच्छी अच्छी लड़की आएंगी यानी लौंडिया। जो अच्छी अच्छी लौंडिया आएगी ना, एक अपने लाले लाना, तीन हमारे लिए। एक अपने लिए लाऊंगा, एक तुम्हारे लिए। अरे तीन हमारे लिए, तीन तुम्हारे लिए। हाँ बोलता है, साला डेढ़ पसली का हई है, तीन रखेगा। अच्छा जब तेरा इरादा कहता है ना तो चल मेरे साथ। आ चलिए बोलता है। हाँ। कैसे कुछ कहते हुए चलिए सरकार। नहीं चलो आ। गुरुजी एक बात चलते चलते याद आ गई हमको। खेतवा में बकरी चराए होई, मोरी बकरी आज दो तीन दिन से ना जाने क्या हो रहा है कि मेरा परदेश में रहने का मन नहीं लगता। हर समय हमें घर की याद आने लगी, मेरे भाई की याद आने लगी, बीबी की याद आने लगी। मैंने अपने सेठ जी से बताया कि सेठ जी मैं घर जाना चाहता हूँ। सेठ जी ने मुझे हिसाब पाती दिया। मैंने अपनी सारी तैयारियाँ बनाकर घर के लिए रवाना हो गया। अब जा रहा हूँ अपने घर। घर पर जाकर अपने मुन्ना से मिलूंगा, अपनी बीबी से मिलूंगा, और जहाँ तक हो सकेगा वापस आते समय मैं अपने मुन्ना और बीबी को साथ लेके आऊंगा। अरे मन भद्रा हो दही जरा के नाती, भतरा हो दही जरा के ना। तेरा मिठैया कब हुना खियावे, तेरा मिठैया कब हुना खियावे, मन भतरा हो दही जरा के नाती। अब मैं लगभग स्टेशन तक आ गया हूं, यहां से अपने घर चलता हूं। बड़े भैया आएंगे, छोटे भैया के विषय में, रोहिणी भाभी के बारे में तो मैं क्या बताऊंगा भैया। चल रहा हूँ यहीं पे, बगल में खड़ा हो जाते हैं भैया, आएंगे रास्ता जो रहा हूँ। अरे रमेश, रमेश ये क्या मैं देख रहा हूँ? रमेश के आंखों में आंसू और ये रो रहा है। रमेश इधर आ। रमेश बात क्या है जो तेरे आंखों में आंसू, और ये बता कि ये मकान में ताला क्यों लगा हुआ है? मेरा भाई मुकेश और तेरी भाभी रोहिणी कहां पर है?
बड़े भैया आप तो परदेश से आ रहे भैया, चलिए पहले आराम कीजिए भैया, मैं सब बता दूंगा भैया। ना रमेश ना, मैं आराम नहीं करूंगा। सबसे पहले ये बता कि हमारे कलीजे का टुकड़ा, हमारा भाई मुकेश और हमारी बीबी रोहिणी कहाँ है, और तेरे आंखों में आंसू क्यों आ रहे हैं? बड़े भैया, बात सुनने से पहले अपने कलेजे पे पत्थर रखना होगा। ये बात सुनने से पहले मुझे अपने कलेजे पे पत्थर रखना पड़ेगा? ऐसी कौन सी बात है रमेश, कौन सी बात है? बड़े भैया, बात सुनने से पहले अपने कलेजे पे पत्थर रखना होगा, नहीं तो आपके पाँव के नीचे की मिट्टी सर जाएगी भैया। रमेश बता मेरे भाई, मैं सुनने के लिए बेचैन हो रहा हूँ, बोल मुन्ना। बड़े भैया आप तो चले गए परदेश, फिर क्या हुआ? 10 दिन बाद बीता, छोटे भैया बोले कि रमेश भैया मुझे प्रीतम नगर स्टेशन छोड़ दे बाबू। क्या? मेरे जाने के बाद मेरा भाई स्टेशन पर छोड़ने के लिए तुझसे बोला? हाँ भैया। उसके बाद क्या हुआ मुन्ना? फिर भैया इतने में बात बोले भैया मैं प्रीतम नगर स्टेशन छोड़ दे बाबू, मैं भैया के बात मान कर प्रीतम नगर स्टेशन में छोड़ दिया भैया। फिर क्या हुआ मुन्ना? जब स्टेशन छोड़ने के बाद भैया बाबू के सामने पहला कर दामन बिछा मारा। पर भद्मा मेरे जाने के बाद मेरे जिगर का टुकड़ा मेरा भाई मुकेश स्टेशन पर 5 घर लोगों के आगे हाथ फैला कर भिक्षा भाग रहा था। ये सब सुनने के पहले मेरे कान बंद। अरे मुन्ना ये क्या कह रहा है भैया? इतनी सी बात नहीं बड़े भैया, जब भैया बाबू के भिक्षा मांग के छोटे भैया घर पे आए, घर पे बैठी थी भाभी माँ के सामने आए भैया, भाभी माँ देखते वहां छोटे भैया को बहुत गुस्सा हो गई भैया। गुस्सा होने के बाद छोटे भैया को बहुत मारा भैया, मारने के बाद छोटे भैया को बेघर कर दिया। नहीं रमेश, नहीं नहीं रमेश, ऐसा नहीं हो सकता, मेरा मुंडा घर छोड़ कर नहीं जा सकता। यह रमेश वो रामजादी, वो कुतिया रामजादी हमारे मुन्ने को घर से बेघर कर दिया। लेकिन रमेश इस समय वो रामजादी है कहाँ पर? भैया ये जो ताला देख रहे हैं ना, ये दूसरा कोई का नहीं, ये ठाकुर तूफान सिंह का ताला है भैया। ठाकुर तूफान सिंह, ठाकुर तूफान सिंह हमारे घर में ताला क्यों लगाया, इसका मतलब क्या है बता? साफ साफ बता रमेश, ठाकुर तूफान सिंह हमारे हवेली के घर में कैसे आया? भैया ये तो ठाकुर तूफान सिंह का ताला है, भाभी माँ उन्हीं से प्यार करते हैं। भैया भाभी माँ को अपने बहकावे में ले लिया, ठाकुर मिला लिया, अपनी जमीन जायदाद निकालने के बाद भाभी माँ को घर से भगा दिया भैया। वाह रे हराम जाते वाह, अरे वाह रे ठाकुर तूफान सिंह, तेरी माँ ने दूध पिलाया है तो याद रखना, आज से ये महेश तेरा काल बन रहा है। अगर इस अपमान का बदला तुझसे नहीं चुकाया तो मेरी माँ का दूध हराम है।
नहीं भैया। रमेश भैया मेरी बात सुन मुन्ना, ये बैग में मैंने अपने भाई के लिए कपड़े लाया था, अपनी बीबी के लिए कपड़े लाया था, खाने पीने का सामान लाया था। ले जा मुन्ना, मुझे इन सब की जरूरत नहीं है, मुझे इसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि जब मेरे जिगर का टुकड़ा ही नहीं रहा तो मैं इन सामानों का करूंगा क्या। ले जाके अपने बीबी बच्चे को दे दे। आज से ये समझ लेना कि ये तेरा भाई महेश तेरे लिए मर गया है। बड़े भैया आप घर छोड़ के कहाँ जाएंगे? बड़े भैया चलिए, हमारे साथ हमारे घर में, हम घर में चार परानी है भैया, हम आपको जिंदगी सेवा में करेंगे भैया। नहीं मुन्ना रमेश नहीं, मैं एक बुजदिल की जिंदगी जीना नहीं चाहता। आज के बाद ये महेश नहीं, ये महेश मर गया, आज से जिंदा होगा तो डाकू दिलावर से, डाकू दिलावर से, डाकू दिलावर से। कान खोल के सुन ले मुन्ना, अरे यहाँ से भाग कर चंबल जाऊंगा और डाकू दिलावर सिंह के नाम से मशहूर हो जाऊंगा। उसके बाद वापस आऊंगा तो हरामजादा तूफान सिंह से बदला चुकाऊंगा। हाँ मुन्ना ना, हाँ मुन्ना मैं जा रहा हूँ। क्या बताऊँ बाबू, एक छोटा भाई उधर गायब हो गया, बड़े भैया भी भाग गए, अभी दिखाई बेली मैं क्या करूंगा झोपड़ी में रह के। मैं भी अपने घर पे जाता हूँ अपने परिवार में भाई, मैं भी चल रहा हूँ, इस घर में नहीं रहूंगा। घर के नेतवनी से दसवा बिगड़ गईले, घर घर के नेतवनी से दसवा बिगड़ गईले, धरती बिगड़ गईले पापी से। अरे माई आवारा भैली बिटिया बिगड़ गईले, अरे धरती बिगड़ गईले पापी से। घर घर के नेतवनी से देसवा बिगड़ गईले, घर घर के नेतवनी से देसवा बिगड़ गईले, धरती बिगड़ गईली पाप से। माई आवारा भैली बिटिया बिगड़ गईले, माई आवारा भैली बिटिया बिगड़ गईले, धरती बिगड़ गईले पाप से। माई आवारा भैली, माई आवारा भैली कहना क्या है, बाप पिए दारू गांजा बेटवा जाई सऊदी, माई आवारा भैली बिटिया मादा मऊजी। बाप पिए दारू गांजा बेटवा जाई सऊदी, माई आवारा भैली बिटिया मादा मऊजी। गोट दर्शाया के झालर बिगड़ गईले, गोट दर्शाया के झालर बिगड़ गईले, चोलिया सियाई लिहली
नाप के माइवार भैया बिगड़ी, माइवार भैया बिगड़ी धरती बिगड़ी गईले पाप से। चलते चलते तो हाथ पैर दर्द करने लगा, भूख भी लगी है, भूख प्यास के मारा जी निकला जा रहा है। या मेरे मालिक, बैठकर कुछ देर आराम कर लेता हूँ, फिर आवाजें सुनाई दे रही, सामने लगता है बस्ती है, उस बस्ती में जाऊंगा, मांग कर कुछ निवाला पेट भरूंगा।